हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक और कालीनक्स से रिलेटेड वीडियो लाया हूँ, जिसमें कि हम जानेंगे कि कैसे हम कालीनक्स को डुअल बूट में से अनस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ट्रैक रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो है कालीनक्स के सारे पार्टीशंस को हमें रिमूव करना होगा। तो हम दिस पीसी पर राइट क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे और सीधे हम डिस्क मैनेजमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप सभी देख सकते हैं इतने सारे पार्टीशन हैं। तो हमारे जो विंडोज़ है सिंपली वो NTFS फाइल सिस्टम टाइप पे वर्क कर रहा है, और बाकी जो नॉन NTFS है वो सारे कालीनक्स के पार्टीशन हैं। तो इन सबको हमें रिमूव कर देना है। डिलीट वॉल्यूम, डिलीट वॉल्यूम, डिलीट वॉल्यूम, इन सबको डिलीट करने के बाद सिंपली आपको ये अनएलोकेटेड फाइल को न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके। आप देख सकते हैं हमारा जो है न्यू वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। तो आपको एक बात का खासकर याद रखना है, अभी हमें अपना जो पीसी है वो रिस्टार्ट नहीं करना, नहीं तो आपको सिक्योर बूट की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमें अपना कमांड प्रॉम्प्ट CMD खोलना है। तो हम टाइप करेंगे विंडो में CMD, तो ये हमने CMD ओपन कर लिया। देन हम यहाँ पर टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, यहाँ से हम यस कर देंगे। देन टाइप करना लिस्ट डिस्क। आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्क ज़ीरो है 111 GB का। देन यहाँ पे हमें करना है सिलेक्ट डिस्क ज़ीरो, देन हमें करना है लिस्ट वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं इतने सारे वॉल्यूम है। तो हमें जो है सिस्टम पार्टीशन को माउंट करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो है हमारा सिस्टम, वो उसको हमें माउंट कर देना है, जो कि हमारा वॉल्यूम 4 है। तो उसको माउंट करने के लिए हमें टाइप करना है सिलेक्ट वॉल्यूम 4। तो ये देख सकते हैं हमारा जो वॉल्यूम सिलेक्ट हो गया है। देन यहाँ पे हम लेटर असाइन कर देंगे, असाइन SSIGN लेटर इक्वल्स टू जेड। तो हमें लेटर असाइन कर देना है। तो हम टाइप करेंगे असाइन लेटर इक्वल्स टू जेड। तो हमें यहाँ पे अपना एग्जिट टाइप कर देना है। कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज करने के बाद हमें अपना CMD दोबारा ओपन करना है, और CMD टाइप करने के बाद हम राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। देन यहाँ से हम यस कर देंगे। देन यहाँ पे हमने जो लेटर साइन किया था, तो वो उसको हमें टाइप करके और सेमी कोलन लगा देंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। इसके बाद हमें टाइप करना है DIR। DIR टाइप करने के बाद हमें नेक्स्ट कमांड टाइप करनी है CDEFI। ये हमारा EFI फोल्डर में चला गया है। देन फिर से हमें DIR टाइप करना है। देन यहाँ पे आप देख पाएंगे काली का एक डायरेक्टरी है काली की, ये वाली, इसको हमें रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम टाइप करेंगे RMDIR स्पेस स्लैश एस स्पेस काली, यहाँ से हम वाई टाइप कर देंगे। देन दोबारा हमें टाइप करना है DIR। तो आप देख सकते हैं हमारी जो काली की डायरेक्टरी है वो हमारी रिमूव हो चुकी है। देन हम अपना जो PC है वो रिस्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही आप इसे अपना रिस्टार्ट करेंगे, तो आप देख पाएंगे जो कालीनक्स का जो ग्रब बूट लोडर है वो आपका ओपन नहीं हो रहा था, और आपका जो विंडोज़ है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप का नंबर दे दूँगा, उसमें आप जाके मेरे को क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि और भी कालीनक्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।